नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं पूजा। चक्रवाती तूफान याश के कारण झारखंड के दक्षिणी भाग में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह रेड अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। इसके गुजरने के कारण 26 और 27 मई को कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मार्ग में आने के कारण राजधानी रांची समेत कई जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार तूफान का असर पूरे राज्य में रहेगा। मध्य और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसका सीधा असर होगा। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर उससे अधिक हो सकती है। कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। इसका असर 28 मई को कम हो जाएगा। इन दिनों केवल राज्य के उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना याश तूफान 24 मई की सुबह अपने असली रूप में आ चुका है। यह अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से 620 किलोमीटर उत्तर पूर्व, उड़ीसा के पारादीप से 530 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, उड़ीसा के ही बालासोर से 630 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पश्चिम बंगाल के दिघा से 620 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित है। यह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे के दौरान यह भीषण चक्रवात तूफान में तब्दील हो जाएगा। इस तथ्य इलाकों के साथ झारखंड की दक्षिण पूर्व हिस्से में कहर बरपा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तटों से टकराने से पहले तक लगातार इसका स्वरूप में फैलाव होगा। तट से टकराने से पहले तक यह काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यह झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के रास्ते रांची की ओर बढ़ेगा और इसका असर अन्य जिलों पर भी देखने को मिलेगा। झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री ने भी जिलों को सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही एनडीआरएफ ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।